आड़ू एंड रोज हे गाइज नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो गाइज आज है 20 तारीख और साथ ही साथ 8 बज गए हैं। तो हम लोग थोड़ी देर पहले आए थे खेत को, मैं और गोयल जी। कुछ एक घास मैंने यहाँ पे काट ली और कुछ एक और काटूंगी। तो हम लोग डुगड़ू वाले खेत को आए हैं। यहाँ पे गोयल जी लगाने वाले थे फुहारा, तो कुछ एक घास लगी हुई है बीच में। यहाँ पे हम लोगों ने प्याज लगाया था, तो उसके बाद कुछ नहीं लगाया, इसलिए यहाँ पे घास उग गई। तो पहले ये वाली घास निकाल देते हैं पूरी की पूरी, और कुछ एक मैंने उधर निकाल भी दी है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ वाले पेड़ और क्या क्या सब्जियाँ लगाई हुई है हम लोगों ने। आपको दिखा देती हूँ गोयल जी क्या काम कर रहे हैं। तो चलिए पहले आपको दिखाई देते हैं क्या क्या सब्जियाँ लगाई हुई है, जगह जगह पे लगाई हुई है हम लोगों ने यहाँ पे। ये है बैंगन, ऊपर से दो लाइनें, और उसके नीचे है शिमला मिर्च लगी हुई। ये वाली है स्क्वैश और उधर वाली है कद्दू। तो गोयल जी इसके सूखे सूखे पत्ते निकाल रहे हैं। गुड मॉर्निंग बोलो बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्क्वैश और कद्दू की हमने बहुत सारी सब्जियां खाई, लेकिन शिमला मिर्च की बस एक ही सब्जी बनाई। और ये तो बैंगन तो अभी तैयार नहीं हुए, एक दो लाइनें ऊपर है घास के बीच में, देख सकते हैं कद्दू छोटी छोटी। अच्छा जी, तो इसके साथ साथ यहाँ पे प्लम के पेड़ लगे हुए हैं बेचने के लिए, और ये रहा गाला का पेड़। कौन सा गाला है ये? शनिगा शनिको गाला है ये, और ये है गेल गाला का ही। आप देख सकते हैं इसके फ्रूट कितने लाल लाल होते हैं, और फसल इसकी इसमें हर बारी इतनी अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। साथ में ये वाले जेरोमाइन, तो एक के पत्ते तो सूखे सूखे काट लिए गोयल जी ने। तो ये जो सेब हैं जेरोमाइन रेड विलॉक्स किंग रॉट, ये हैं हाई कलर स्ट्रेन वेराइटी। तो साथ ही साथ आप यहाँ पर दूसरा पेड़ देख सकते हैं, ये भी है गेल गाला का ही। तो ये भी है गेल गाला, ये भी है गेल गाला, आगे भी है, आगे उसमें लगे हैं बस तीन चार ही फ्रूट, तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। ये भी है सेम चीज़, तो वो है जेरोमाइन, थोड़े लगे हैं गाला के भी उसमें। ये भी है गेल गाला ही। ऊपर रहे ये बांस, इधर भी है बांस, उसके ऊपरली साइड भी है बांस और जेरोमाइन का एक। तो ये भी रहा जेरोमाइन सेब का पेड़, उधर भी है गाला का ही, और एक पेड़ है उधर अनार का, ये वाला है खट्टे मीठे अनार यहाँ पे, ये वाला। तो साथ ही साथ यहाँ पे भी लगे हैं बैंगन के पौधे कुछ एक। तो ये है मिर्च, ये है गाला का ही। उस कोने में लगी है भिंडी, वहाँ मैं जा नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं हूँ नीचे, और नहीं तो मुझे ऊपर से जाना पड़ेगा। यहाँ पे लगी हुई है राजमा, और इस साइड को बीच में लगी है इसी में मक्कियाँ, तो थोड़ी देर के बाद जाऊँगी ऊपर। तो गाइस खाली एरिया की घास मैंने काट ली है सारी, अभी बना देंगे इस रस्सी में इसका बोझा। कुछ एक मैंने उधर बांध के रखे हैं ऐसे ही, पहले जो मैंने पुलटे बनाए हैं इनको ले जाएंगे गोयल जी कंधे पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूखी हुई सारी पत्तियाँ गोयल जी ने काट ली और घास भी हटा ली। तो गाइस ये बन गया है मेरे लिए बोझा, और चार पाँच पुलटे मैंने वहाँ रास्ते में फेंक लिए गोयल जी के लिए, और ये वाला गोयल जी ने फुहारा फिट किया है। चलो जी गाइस, ये रही यहाँ पे राजमा और मक्की बीजी हुई सबसे ऊपर ऊपर वाले हिस्से में, सबसे ऊपर तो है ये वाला ऊपर, वहाँ पे भी राजमा लगाई है। यहाँ जाऊँगी मैं अपना बोझा टिकाने के बाद, क्योंकि ऊपर आड़ू भी है। तो गोयल जी जोड़ रहे हैं अभी पानी, जो यहाँ पे पानी था वो चाचा जी वगैरह ने लगाया, तो हम लोग लगाएंगे उनका दूसरा पानी। यहाँ पे रखी थी पहले पाइप डाल के,
लंबी होगी इधर से छह फुट की होगी। दिखाते हैं आड़ू। गाइस पीच आड़ू एंड्रोज वैरायटी है, ये भी लगभग तैयारी है, खा सकते हैं अभी भी। तो जुलाई लास्ट वीक अगस्त फर्स्ट वीक तक ये पेड़ पे आसानी से रह सकता है। तो गाइस ये है कद्दू की बेल, इतनी लंबी सी। गोयल जी ने झाटू कद्दू बोल के लाया था, लेकिन ये इतनी लंबी बेल वाला कद्दू निकल गया। ये हमने प्यारे प्यारे से फूल लगाए हैं, जिनमें कि ऐसे गोल गोल फूल लगते हैं। और यहाँ पे भी मक्की है, उधर है हमारी खुरामी का पेड़, जापानी अपनी भाषा में हमको जापानी बोल। पहले था ये आड़ू का ही पेड़ है ना पूरा का पूरा, फिर डैडी ने इसमें कलमे लगा ली प्लम की, फिर बन गया ये आधा प्लम का और आधा आड़ू का। आड़ू का पोर्शन थोड़ा ही है, ये वाला सिर्फ है ना, बाकी ब्लैक एम्बर प्लम है। आड़ू वाला पोर्शन आड़ू एंड्रोज एंड्रोज वैरायटी। टच करो, हो गए होने। इका था यहाँ वाला तोड़ना, तो पक्के हुए हैं। चलो, और ये है परसिमन का ही पेड़, जिसमें की बहुत सारी लगी हुई है। ये है हमारे नींबू का पेड़, चेरी। ओ ये रही गाइस हमारी भिंडी। तो ये रहा देवदार का पेड़ प्यारा सा, जो कि हमने कोने में लगाया है। खीरे भी लगे हुए हैं, यहाँ से ऐसे ही डाल के रखे थे मैंने, बीज के साथ कुछ एक दाने थे तो ऐसे ही डाल के रखे थे, तो खीरे भी निकल गए हैं यहाँ से। और ये रहा चेरी का पेड़, नीचे मैंने गोयल जी के लिए रखे थे घास के पुलटे कुछ एक, ये डाल रहे हैं ऐसे ही। तो छे है देखो, काट लिए मैंने छे, एक एक बोजार। तो ये भी है गाला का पेड़, ये रहा वो नींबू का पेड़। तो ये खाएंगे घर जाके ही, अभी जाएंगे घर को। तो गाइस रितु जा रहा है स्कूल को, एक दिया मैंने इसी को, जाओ बाय बाय। गुड मॉर्निंग, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, मस्ती करो फिर। राधे राधे, जय श्री राम। आजकल देखती है गीशी रामायण। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बेटा, नमस्ते करो सबको। हाँ जी, बस एक ही लाया आपने काट। तो गाइस कुछ एक गोयल जी लाए थे काट के, कुछ एक मैं ले जा रही हूँ। देखो पीछे चाचू जी को देखो। उठ गए दादाजी को उठा लिया। आओ कंघी करनी, इधर आई लव यू, इधर इधर करो आई लव यू। गाइस जी की कप्पल नहीं लगाती, कप्पल बोलती है, कप्पल कप्पल लगाओ मुझे। तो गाइस देखिए कितनी सुंदर सुंदर बन गई गीशिका, कितनी प्यारी प्यारी बन गई। बताओ कैसी बन गई गीशिका? देखो दादा ऐसे लगी हुई। गाइस देखिए किचन के अंदर क्या काम हो रहा है, गैस पे पाइप गर्म कर ली तो इसलिए इन्होंने पाइप यहाँ पे रखी। तो गाइस अभी हो गए हैं 11:13। एक चीज मैं आप लोगों को और दिखाने वाली हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हमने कुछ रखा है, आपको अच्छे से दिखा देते हैं और बता भी देते हैं। ये है इस बर्तन में जौ का आटा, तो होममेड सत्तू है ये, क्योंकि हम लोगों ने जौ को पहले धोया, उसके बाद भूना, भूनने के बाद चक्की में पीसने के लिए दिया, तो उसके बाद बने ये सत्तू। अब मैं इसे भरूंगी इस बोरू में, क्योंकि इसमें ही था ये लाया हुआ चक्की के वहाँ से। तो फिर अभी इसे छान के इसमें डाल दिया छाननी से,
गिशु के लिए मैंने बाकी चीजें नहीं ली है, मैं यही चीज खिला रही हूँ गिशु को, क्योंकि मेरी जो बड़ी बुआ है ना, उन्होंने बोला कि आपके पास जौ का सत्तू बनाते हैं आप लोग हर साल ही, तो यही चीज बच्चे को भी खिलाइए और खुद भी खाइए और मुझे भी दीजिए, ऐसा बोला था उन्होंने पिछले साल। जौ का सत्तू है वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। फिलहाल मैं इस थैले में ही डाल के रखूंगी ये सत्तू, फिर कुछ दिन के बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे डब्बे में। इसके लिए जो होते हैं एयर टाइट डब्बे, तो फिर ही अच्छा रहता है, मॉइस्चर वगैरह इसमें नहीं चढ़ेगा, वैसे नहीं चढ़ता है। तो पिछले साल तक हम लोग क्या करते थे, जैसे ही मम्मी ने ये सत्तू वगैरह बनाए उसके बाद हम लोग शक्कर या गुड़ के साथ खाते थे, जो खाया खाया, उसके बाद बाकी छील को दे देते थे, गाय को देते थे, छील में डालते थे गाय के छील में। तो फिर मेरी बुआ ने वैसा बोला अब हम लोग खाएंगे। गोयल जी अभी नहा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे वो कुल्लू को स्कूटी लेके, क्योंकि स्कूटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है तो उसे ले जाना पड़ेगा किसी की गाड़ी में डाल के। तो जब गोयल जी जाएंगे उनके पास में इंदु के लिए थोड़ी सी सत्तू दूंगी, उसके भतीजे के लिए, क्योंकि वो अपने भतीजे को कोई हेल्दी हेल्दी चीज़ें खिला रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उसी ने बताया था। तो मैंने कहा आप लोग जौ कैसे ऐसे बना सकते हैं, मैं टेस्ट करने के लिए थोड़े से दूंगी, फिर आपको अच्छा लगेगा या फिर वो खाएगा तो और आप बना सकते हैं। तो इन्होंने बोला ठीक है आप दे देना। कुछ एक सत्तू इन दो डब्बों में भी भर लिए, एक गिशी के लिए एक इंदु के लिए, बाकी सारा गया इस थैले के अंदर। आप इस सत्तू को ले सकते हैं चाय के साथ, दूध के साथ, पानी के साथ भी, और शक्कर मिक्स करके भी आप ले सकते हैं, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं हेल्थ का अगर सोचना है तो। तो गाइज कैसी लगी आपको आज की वीडियो बताना ज़रूर, और करते हैं आप वीडियो का एंड, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।